सर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस परेशान कर रहे हैं। हर साल एग्ज़ाम दिया जा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। अपने एरिया में ज़्यादा सही रहेगा, और क्या कहना चाहेंगे सर। इतना दूर दूर से हम लोग सेंटर आता है, हम लोग यहाँ एग्ज़ाम देने आते हैं, एक एक दिन पहले आकर रुकते हैं यहाँ पे। दूरी होती है, सारे लोगों को दूरी होती है, इतने इतने दूर से लोग आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अपनी होम डिस्ट्रिक्ट दे दे तब भी सही रहे इंसान को, है ना। कितनी दूर दूर से महिला आती है, हम लोग 3 बजे निकले, इतना एकदम परेशान उसी में हम लोग। महिला सुरक्षा की तो बात हो रही है, लेकिन बेरोजगारी की भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी। बताओ, हम लोग इतने दूर से आए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। सेंटर कितनी दूर से आए? क्या करें, सुल्तानपुर से आए। सेंटर नज़दीक होता तो आराम होती। हाँ बिल्कुल, हम होती ना। और 100 वर्ष जो भी है। कितनी बार पेट परीक्षा दी है? 2 बार दिए हैं, ये दूसरा है। क्या कहेंगे इस परीक्षा को लेकर के? क्या कहें, जो भी है ठीक है, आप कह भी नहीं सकते हैं। यूपी में पेट परीक्षा 3री बार हुई है। हर साल ये परीक्षा की जाती है, लेकिन वैकेंसी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। 200-300 किलोमीटर दूर से सेंटर उठा के लगा दिए जाते हैं, और बसों और ट्रेनों में धक्के खाते परीक्षार्थी हमारे साथ हैं। इनसे बात, कहाँ से परीक्षा देना है बेटा? लखनऊ से आई है। क्या कहेंगे परीक्षा को लेकर के? पहली बार दे रही है जी? पहली बार दे रही है, क्या सोच के दे रही है? दे रहे अपने करियर को सोच के, करियर को ही सोच के दे रहे हैं। लोग हैं जो सामने बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि यूपी टीपी एलएससी की 20 साल में 2022 में जो एग्जाम हुआ, कितना वैकेंसी आया। एग्रीकल्चर से हम हैं, बिलोंग करते हैं, टीए की वैकेंसी एक साल से लड़के लोग धरना दे रहे हैं। कितने बार हम लोग लखनऊ गए, कितने बार गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, और इस साल भी नहीं होगा। सरकार को बस पैसे बनाने हैं, वो बना रही हैं आराम से, और हम लोग पागलों की तरह पेपर दे रहे हैं, वही कर रहे हैं सर। सरकार पैसे बना रही है और हम पागलों की तरह जो है परीक्षा दे रहे हैं। और भी लोग आए बात करें, भाई साहब कितनी बार पेट दिए हैं? दूसरी बार दे रहे हैं। क्या उम्मीद है फिर इस बार के पेट से? बढ़िया है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। बस तो एग्ज़ाम लें, बस जो बच्चे कह रहे हैं निराशा उनकी समाप्त हो। और पहली बात, अनावश्यक बच्चों को परेशान करना बंद करें, जो इतनी दूर सेंटर दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, 300-300 किलोमीटर दूर सेंटर आ रहा है। सुल्तानपुर से हम लोग देने आए हैं, सुल्तानपुर का सेंटर लखीमपुर खीरी आया है, तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। एलबीटी हर साल होता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको क्वालिफाइंग कर देना चाहिए, जैसे टेट है, यूपी टेट है, उसको क्वालिफाइंग कर दें, 60% या 50% जो भी है क्वालिफाइंग कर दें, तो इससे एक मेजर जो पॉपुलेशन वो छट जाएगी अपने आप, और जो इनकी सुविधा वो हो जाएगी वैकेंसी में आने के लिए। परीक्षा दे रहे हैं, हर साल परीक्षा होती है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि बेरोजगार के सामने आस और सांस वाली बात है कि परीक्षा देना है, क्योंकि कैरियर पूरा सामने खड़ा है, लेकिन वैकेंसी कहाँ है इसका कोई नामो निशान नहीं है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार में महिलाओं को 300-300 किलोमीटर दूर सेंटर डाले जाते हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। मैम कहाँ से आई आप? मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से कितनी दूर है यहाँ से? लगभग यहाँ से 130 किलोमीटर होगा। कितने बजे चले थे आप? मैं 3 बजे निकली हूँ। क्या कहेंगे ऐसे परीक्षा को, कितनी बार दी है परीक्षा? ये 3री बार है। तीसरी बार जी। हर बार देते हैं? हाँ हर बार देते हैं। वैकेंसी कुछ नहीं, बस क्या सोच के भर देते हैं? बस यही कि हाँ वैकेंसी निकलेगी, पेपर अपना हम देंगे, अपना कहीं अपना कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, बस यहाँ से वहाँ अपना भेज देते हैं, इसी में अपने धक्के खाओ और कुछ नहीं। अच्छा, सेंटर कितनी दूर लगा दिए जाते हैं जी? सेंटर दूरी होती है, इनको लेकर दिक्कत होती है? हाँ बहुत दूरी होती है, सारे लोगों को दूरी होती है, इतने इतने दूर से लोग आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अपनी होम डिस्ट्रिक्ट दे दे तब भी सही रहे इंसान को, है ना। कितनी दूर दूर से महिला आती है, हम लोग 3 बजे निकले, इतना एकदम परेशान उसी में हम लोग। योगी जी तो महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा पर बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं काम कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस परेशान कर रहे हैं। हर साल एग्ज़ाम दिया जा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। मिशन शक्ति चल रही है, महिलाएं मजबूत की जा रही हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बच्चे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हम तो सुल्तानपुर से आए हैं, 400 किलोमीटर की दूरी से, बहुत परेशान हो गए हैं सर। योगी राज में महिलाएं तो सशक्त हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सुरक्षा की तो बात हो रही है, लेकिन बेरोजगारी की भी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी। बताओ, हम लोग इतने दूर से आए, कोई रिस्पांस नहीं दिखा। सेंटर कितनी दूर से आए? क्या करें, सुल्तानपुर से आए। सेंटर नज़दीक होता तो आराम होती। हाँ बिल्कुल, हम होती ना। हाँ। कितनी बार टेट परीक्षा दी है आपने? 2 बार दिए हैं सर। दो बार दिए हैं, यस सर। क्या कहना चाहेंगे परीक्षा को लेकर? क्या सर, सेंटर थोड़ा सा पास दे हम लोग का, अपने एरिया में दे ज़्यादा सही रहेगा।
और क्या कहना चाहेंगे सर, इतना दूर दूर से हम लोग सेंटर आता है, हम लोग यहाँ एग्जाम देने आते हैं, एक एक दिन पहले आकर रुकते हैं यहाँ पे। वैकेंसी की उम्मीद है कोई? बिल्कुल कोई कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कोई कह रहा है 24 में चुनाव आएगा वैकेंसी देंगे, कोई कह रहा है वैकेंसी आएगी ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग पेट का एग्जाम एक दौड़ दौड़ के दे रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। 24 को चुनाव को लेकर ज़्यादा उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हैं सर, लेकिन अभी देखिए क्या करते हैं। उम्मीद दर उम्मीद पर जिए जा रहे हैं। 24 का चुनाव है और उसको लेकर शायद वैकेंसी आ जाए। कहाँ से है बेटा? सुल्तानपुर से हैं। कितने किलोमीटर है? 400 जो भी है। कितनी बार पेट परीक्षा दी है? 2 बार दिए हैं, ये दूसरा है। दूसरा। क्या कहेंगे परीक्षा को लेकर? क्या कहें, जो भी है ठीक है, आप कह भी नहीं सकते हैं। योगी जी से क्या जो है मांग है? अरे हमको तो ये वो बेरोजगार हैं जो पेट के नाम पर हर साल परीक्षा दर परीक्षा दिए जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी का कहीं नाम और निशान नहीं है। बस ट्रेन और टैक्सियों में धक्के खाकर किसी तरीके से परीक्षा देने पहुंचते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद अब 2024 का चुनाव आगे है और अब शायद वैकेंसी निकलेगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन देखना यह होगा कि ये पेट परीक्षा का ताना बाना कब तक चलेगा और इसके सहारे परीक्षा देने वाले इन बेरोजगारों को आखिर कब रोजगार मिलेगा। लेकिन पोस्ट गोपालगिरी।